एक पासे तो डॉक्टर रब का दूजा रूप कहा जाता है, परंतु हूँ डॉक्टर का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया, जिथे डॉक्टर से इल्जाम लगे ने कि उन्होंने हस्पताल दे विच इलाज चल रहे दो मरीजों नू चुक के हस्पताल चो बाहर सुटवा दिता है। पंजाब सरकार दे वल्लों भी हैल्थ सहूलतों नू लैके दावे वादे तो बहुत किए जाते हैं, परंतु जमीनी हकीकत इस तो कोहां दूर है। मामला मानसा दे सिविल हस्पताल तो सामने आया, जिथे कि कहा जा रहा है हस्पताल च दाखल दो मरीजों नू किसी सुनसान थां ते सुट दिता गया, जिस च एक दी तां मौत हो गई है जबकि दूसरे नू राहगीरां दी मदद दे नाल हस्पताल च दाखिल करवाया गया। जानकारी मुताबिक हस्पताल दे ही डॉक्टरां वल्लों एक एंबूलेंस चालक नू कह के राह च ही छड्डन लई कहा सी। जदों मौके तो सवेरे कुछ लोग उत्थों लंघ रहे सी तां उन्होंने किसी भी तरीके नाल दोहां नू हस्पताल लिया, जिथे एक दी मौत हो गई ते दूसरा जिंदगी अते मौत दे विचकार हाले भी जंग लड़ रहा है। दलवाना सन। दलवाना? हाँ दलवाना सन। दलवाना सन। हाँ। ये कित्थे जे पैंदा? हरियाणा। हरियाणा में। हरियाणा में? की नाम है तेरा? रिंकू। ये की हुआ है तेरे नाल? एक्सीडेंट है क्या? कित्थे? उल्पा। ते कल शाम नू कित्थे सी तू? मन बन में तो मैं गाना का मन सब दिन गाने के करते पे हूं। तकलीफ की है फिर तेनू? हेलो सब तो पहला तो यह बहुत बड़ी नाकामी है जो सिविल हस्पताल का प्रशासन है, जो इनू सिविल हस्पताल चला रहे डॉक्टर ने, जो इतों का सिविल सर्जन है, वो बहुत बड़ी नाकामी है, स्टाफ की बहुत बड़ी नाकामी है। इन्होंने वो फाइल के उत्ते लिखा है कि वह पेशेंट इतों भज गया, तो साढ़े चैनल के माध्यम के जरिए असं दसना चाहते हैं कि वह पेशेंट बाड़ के पै तो हालात आके देखे जा सकते हैं कि वह भज सकता है। वो एक लत टुटी हुई है तो बाँह भी फ्रैक्चर है। डॉक्टर से डॉक्टर की ड्यूटी ला के जी किसी निजी गड्डी दे विच पवा के बाहर हस्पताल तो हटाते जी किसी सुनसान रास्ते जी, जिहड़ा एक पेशेंट होर सीगा जी उहदी डैथ हो गई जी, उहनू कोई रेहड़ी चालक छड्ड के गया जी, ते इहनू असीं हुण असीं सुनसान रास्ते चों कबरां वाले राह तो लैके आए जी। जिहड़ी इह गल ही ध्यान च आया सोशल मीडिया तो आया सी, मैं तुरंत ही जिहड़ी हैगी इहदी टीम गठित करती, जो भी उहदी रिपोर्ट देणगे जिन्हां ने इह पाए गए उहनां विरुद्ध जिहड़ी हैगी कार्रवाई सख्त कीती जाऊगा। गाँव भी मैं कहना जी कोई इहो जिहे पेशेंट आउंदे ने उहनां दा ख्याल रख्या जावे, इंसानी तौर पर उन्होंने जो है इलाज किया जाए। एक पासे तो डॉक्टर रब का दूजा रूप कहा जाता है, परंतु हूँ डॉक्टर का एक दूसरा चेहरा भी सामने आया, जिथे डॉक्टर से इल्जाम लगे ने कि उन्होंने हस्पताल दे विच इलाज चल रहे दो मरीजों नू चुक के हस्पताल चो बाहर सुटवा दिता है। पंजाब सरकार दे वल्लों भी हैल्थ सहूलतों नू लैके दावे वादे तो बहुत किए जाते हैं, परंतु जमीनी हकीकत इस तो कोहां दूर है। मामला मानसा दे सिविल हस्पताल तो सामने आया, जिथे कि कहा जा रहा है हस्पताल च दाखल दो मरीजों नू किसी सुनसान थां ते सुट दिता गया, जिस च एक दी तां मौत हो गई है जबकि दूसरे नू राहगीरां दी मदद दे नाल हस्पताल च दाखिल करवाया गया। जानकारी मुताबिक हस्पताल दे ही डॉक्टरां वल्लों एक एंबूलेंस चालक नू कह के राह च ही छड्डन लई कहा सी। जदों मौके तो सवेरे कुछ लोग उत्थों लंघ रहे सी तां उन्होंने किसी भी तरीके नाल दोहां नू हस्पताल लिया, जिथे एक दी मौत हो गई ते दूसरा जिंदगी अते मौत दे विचकार हाले भी जंग लड़ रहा है। दलवाना सन। दलवाना? हाँ दलवाना सन। दलवाना सन। हाँ। ये कित्थे जे पैंदा? हरियाणा। हरियाणा में। हरियाणा में? की नाम है तेरा? रिंकू। ये की हुआ है तेरे नाल? एक्सीडेंट है क्या? कित्थे? उल्पा। ते कल शाम नू कित्थे सी तू? मन बन में तो मैं गाना का मन सब दिन गाने के करते पे हूं। तकलीफ की है फिर तेनू? हेलो घरे कौन कौन है तेरे जिन्हू दस दिए कौन कौन है घरे? गाना बोले गाना बोले कोई नी सब तो पहला तो यह बहुत बड़ी नाकामी है जो सिविल हस्पताल का प्रशासन है, जो इनू सिविल हस्पताल चला रहे डॉक्टर ने, जो इतों का सिविल सर्जन है, वो बहुत बड़ी नाकामी है, स्टाफ की बहुत बड़ी नाकामी है। इन्होंने वो फाइल के उत्ते लिखा है कि वह पेशेंट इतों भज गया, तो
ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਟਿਆਤੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਚਾਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਨਸਾਨ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗਾ। ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।